बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर जोधपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही एक व्यापक ड्रोन रोधी इकाई बनाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मानव रहित हवाई वाहनों का खतरा गंभीर होने वाला है। भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित प्रशिक्षण शिविर में समारोह के दौरान जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, लेजर युक्त ड्रोन रोधी गन माउंटेड तंत्र के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। शाह ने कहा कि इससे पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन को निष्क्रिय करने और उसका पता लगाने के मामलों में 3% से 55% तक की वृद्धि हुई है। ड्रोन का खतरा आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर होने जा रहा है। ऐसे में हम रक्षा और अनुसंधान संगठनों और DRDO के साथ मिलकर संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ इस मुद्दे से निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में देश के लिए एक व्यापक एंट्री ड्रोन यूनिट बनाने जा रहे हैं। इसको नापकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी सीमा सुरक्षा बल जो किसी भी सीमा पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, रक्षा विभाग, DRDO और अनुसंधान करने वाले भारत सरकार के सारे विभाग मिलकर एक लेजर युक्त एंटी ड्रोन गन माउंट प्रणाली बनाए हैं। ये प्रायोगिक स्तर पर है, मगर इसके प्राथमिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। पंजाब बॉर्डर पर 55% ड्रोन हमलों को निरस्त किया गया है, ड्रोन को गिराया गया है, जो पहले 3% के आसपास था। मुझे पूरा विश्वास है, एक संपूर्ण ड्रोन निरोधी यूनिट हम कुछ ही साल में बनाएंगे और आने वाले खतरों से हम देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे।